नमस्कार स्टूडेंट, मैं सुमित चौहान जीपीसी प्रतापगढ़ से। स्टूडेंट, आज हम सब्जेक्ट कोड EE305 फंडामेंटल ऑफ कंट्रोल सिस्टम का चैप्टर 3 का टॉपिक राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ेंगे। स्टूडेंट, फॉर्मेशन इसके सब टॉपिक हैं फॉर्मेशन ऑफ राउथ एरे, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन ऑफ राउथ एरे एंड इट्स रेमेडीज। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे पहले लेक्चर में कहा था कि कॉपी पेन को लेकर साथ में बैठिएगा ताकि इस लेक्चर को हम सही से समझ सकें। तो स्टूडेंट, लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ली है, 2s² + 2s³ + s² + 3s + 2 = 0। स्टूडेंट, इसका हमने राउथ एरे फॉर्मेशन किया है, s4 s3 s2 s1 एंड s0। स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात है कि इसकी घात जो है 4 है, यानी हमारे जो इसके रूट्स होंगे 4 रूट्स होंगे, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसकी घात जैसे सम संख्या है, जैसा कि पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, तो हम सम संख्या वाले कोफिशियंट को जो है पहले लिखेंगे 2, 1 एंड 2। फिर विषम घात वाली संख्या के कोफिशियंट को लिखेंगे s³ के 2 देन 3 फिर 0। के बाद हम इसको जैसे पिछले लेक्चर में सॉल्व किया था, पहले इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ये दोनों कोफिशिएंट को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए फिर ये दोनों, इसी तरह इन दोनों को करते हुए लास्ट में एक ही करेंगे। स्टूडेंट, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो ये कॉलम आया, इस कॉलम में हम ये चेक करेंगे कितने हमारे साइन चेंज हुए हैं। तो देखिए, हम देखते हैं, पहला पॉजिटिव पॉजिटिव देन नेगेटिव फिर पॉजिटिव देन नेगेटिव। तो हमारा एक बार साइन चेंज हुआ है पॉजिटिव से नेगेटिव फिर नेगेटिव से पॉजिटिव। तो साइन में बदलाव कितने बार आए हैं स्टूडेंट, 2 बार। तो जब हमारे इस पहले कॉलम में साइन में बदलाव 2 बार आएंगे, इसका मतलब यह होता है कि हमारे जो रूट्स हैं वो राइट हाफ प्लेन में लाई करेंगे। जो नंबर ऑफ पोल्स हैं वो आपके 2 पोल्स इस 4 में से आपके राइट हाफ प्लेन में लाई करेंगे। अगर हमारा एक भी पोल राइट हाफ प्लेन में लाई करता है तो हमारा जो सिस्टम है वो अनस्टेबल होता है, ये हमने पिछले लेक्चर में बताया था। तो स्टूडेंट, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, डिफिकल्टीज इन फॉर्मेशन ऑफ राउथ एरे। तो स्टूडेंट, क्या क्या डिफिकल्टीज आती है जब हम राउथ एरे का फॉर्मेशन करते हैं। तो पहला है, ऑल द कोफिशियंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मस्ट बी रियल एंड पॉजिटिव। मतलब हमारा राउथ एरे का फॉर्मेशन तभी होगा जब हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो कोफिशियंट है वो रियल होने चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है, द नंबर ऑफ साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ एरे डिटरमाइंस द नंबर ऑफ पोल्स इन राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन बट नॉट देयर एग्जैक्ट इक्वेशन। इसके कहने का मतलब यह है, जैसा हमने पिछला न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, कि नंबर ऑफ साइन जितने आपके पहले कॉलम में चेंज होंगे उतने ही आपके जो रूट्स होंगे वो राइट हैंड साइड एस प्लेन में लाई करेंगे, बट उससे हमें उस रूट की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलेगी। बस हमें यह पता चलेगा कि राइट हैंड साइड है और सिस्टम स्टेबल है या नहीं, पर उसकी लोकेशन हमें नहीं पता चलेगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट स्टूडेंट ये है, व्हेन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी रो इज जीरो व्हाइल रेस्ट ऑफ द रो हैज एटलीस्ट 10 टर्म्स, इन सच केस सब्स्टिट्यूट अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन इन प्लेस ऑफ जीरो एंड इवेल्यूएट द राउथ एरे। इसके कहने का मतलब यह है कि जब हम राउथ एरे फॉर्मेशन करते हैं तो हमारा कोई पहले रो में अगर कोई 0 आ जाता है तो हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड पहले एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ली है, s5 s4 + 2s³ + 2s² + 3s + 5। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जैसे पहले हमारा जो है विषम संख्या सबसे बड़ी है तो उसको लेते हुए हम लिखेंगे, और पहले विषम संख्या के घात वाले कोफिशियंट को हम पहले लिखेंगे 1, 2 एंड 3
उसके बाद सम संख्या के घात वाले दो कोफिशियंट को 1, 2 और 5। फिर जब हमने इसको सॉल्व किया स्टूडेंट, तो हमारा यहाँ पर आया 0, -2 और 0। तो यही उस लाइन में लिखा हुआ था, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं पहले लिखा हुआ है कि जब कोई पहला एलिमेंट किसी रो का 0 हो जाए और बाकी नॉन जीरो रहे, और पहला एलिमेंट वो 0 हो जाए, तो हम क्या करेंगे, स्मॉल वैल्यू से एप्सिलॉन जिसको बोलेंगे उससे हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो हमने क्या किया कि इस 0 को इस एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिया। अब इस एप्सिलॉन से जब हमने रिप्लेस किया तो हम आगे रो की फॉर्मेशन वैसे करेंगे, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर ये वैल्यू आएगी, फिर हम इन दोनों को देखते हुए जब सॉल्व करेंगे तो यह वैल्यू आएगी। इस तरह से हमने अपना फॉर्मेशन कर दिया। अब स्टूडेंट राउथ एरे फॉर्मेशन होने के बाद हमारे अगला स्टेप क्या होता है कि हम साइन चेंज कैसे देखते हैं। तो इस कंडीशन में हम साइन को चेक कैसे करते हैं, देखिए टू चेक साइन इन फर्स्ट कॉलम, इस केस में हम यहां से देखते हैं लिमिट जो सबसे छोटी संख्या है वो जीरो की ओर जाते हुए देखेंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो 2 एप्सिलॉन प्लस 2 अपॉन एप्सिलॉन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा प्लस इनफाइनाइट। फिर दूसरी संख्या सॉल्व करेंगे, लिमिट इसको एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो -4 एप्सिलॉन -4 -5 एप्सिलॉन अपॉन 2e प्लस 2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा -2। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्लस इनफाइनाइट और यहाँ लिखते हैं -2। तो स्टूडेंट जब हम इस फर्स्ट कॉलम में देखेंगे कि हमारे साइन चेंज कितने हुए हैं, तो देखते हैं पॉजिटिव देन नेगेटिव फिर पॉजिटिव, मतलब एक साइन आपका यहाँ से यहाँ हुआ है, एक साइन चेंज हुआ आपका यहाँ से यहाँ, मतलब नंबर ऑफ साइन चेंज कितने हैं आपके, नंबर ऑफ साइन चेंज 2। इसका मतलब क्या होता है कि राइट हैंड साइड एस प्लेन पे हमारे इस पांच रूट में से 2 रूट हमारे राइट हैंड साइड लाई करेंगे, तो ये सिस्टम होगा हमारा अनस्टेबल। इसके बाद स्टूडेंट हम अगले लिमिटेशन पे आते हैं, व्हेन राउथ एरे एंड एब्रप्टली। इसका मतलब यह है कि हमारा जो राउथ एरे फॉर्मेशन है वो एकदम से ख़त्म हो जाए, यानी उसकी जो कोई भी रो है वो पूरी शून्य हो जाए, तब हम क्या करेंगे। देखिए इससे हमने एक एग्जांपल लिया है, मैं दिखाता हूँ आपको। हमने एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ली है s6 + 2s5 + 8s4 + 12s3 + 20s2 + 16s + 16 = 0। फिर मैंने इसका राउथ एरे फॉर्मेशन बनाया। जब हमने इसका राउथ एरे फॉर्मेशन बनाया तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जब S3 पे जाके इसकी सारे कोफिशेंट जो 0 हो गए, यानी हमारा राउथ एरे फॉर्मेशन जो है एकदम से एंड हो गया। तो स्टूडेंट जब ये इस कंडीशन को बोलते हैं ऑल रो 0 कंडीशन, इस कंडीशन में आपका क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि हमारे जो S प्लेन पे रूट्स होंगे वो सिमेट्रिकल रूट्स होंगे। कभी भी ध्यान दीजिएगा, जब हमारी ऑल जीरो रो कंडीशन आएगी तो उस केस में हमारे जो ये एस प्लेन पे जो रूट्स होंगे वो सिमेट्रिकल कंडीशन होंगे। सिमेट्रिकल कंडीशन का मतलब कि ऐसा है कि अगर एक रूट यहाँ होगा तो इसी पोजीशन पे हमारा रूट यहाँ भी होगा, वैसे ही अगर यहाँ होगा तो यहाँ पर भी होगा, और अगर यहाँ होगा तो यहाँ होगा, वैसे ही, मतलब ये सिमेट्रिकल होने चाहिए। तो अभी तक यहाँ पर हम इस राउथ एरे को देखते हुए ये कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, जब ये सारे आपके 0 हो गए, सिस्टम जो है आपका हमारा सिस्टम है वो स्टेबल नहीं है। पर हम यहाँ पर यह नहीं बता सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो मार्जिनली स्टेबल है या अनस्टेबल है, पर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम अनस्टेबल है। अब देखिए जब ये ऑल 0 आ जाते हैं तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा है, देखिए पहले कंस्ट्रक्ट एन ऑक्सिलरी इक्वेशन, पहला स्टेप। तो एक हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे
कंस्ट्रक्ट एन ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो स्टूडेंट ऑक्सिलरी इक्वेशन इसमें हम जो जीरो के जस्ट ऊपर वाली जो रो होती है उसका बनाते हैं, ए एस बराबर 2s4 प्लस 2s4 प्लस 12s2 प्लस 16। फिर इसका हम अगली लाइन से डिफ्रेंशिएट as एस dA बाय dS के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि हमें नए कोफिशियंट मिल सके जो हम इस जहां पर हम इस जीरो की जगह रखेंगे। तो इसका हम अवकलन करेंगे एस के रिस्पेक्ट में, जब हम इसका अवकलन करते हैं तो हमारे पास आता है 8s³ प्लस 24s, इसका अवकलन जीरो। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम देखेंगे कि हमारे पास जो है दो नए कोफिशियंट आए हैं जिसको हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। तो ठीक है, हम इसको अब रिप्लेस करेंगे, एस क्यूब के साथ वाला कोफिशियंट पहले यहाँ लिख देंगे, फिर उसके बाद उसका अगला कोफिशियंट 14। अब स्टूडेंट हमारे पास जब ये दो कोफिशियंट आ गए तो हमारा ये राउथ एरे फॉर्मेशन है, अभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मैंने पहले इसका रखा है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएंगी। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारे नंबर ऑफ साइन चेंज इस रो में कितने हैं। तो देखिए पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यानी कोई भी साइन चेंज नहीं है, नो साइन चेंज। तो नो साइन चेंज का मतलब सिस्टम स्टेबल होता है, पर मैंने आपसे पहले कहा था जब ऑल जीरो कंडीशन आती है तो सिस्टम हमारा स्टेबल नहीं होगा। तो हमारा ये सिस्टम स्टेबल नहीं है और साइन चेंज कोई नंबर ऑफ साइन चेंज भी जीरो है तो यानी ये अनस्टेबल भी नहीं है। तो हमारा सिस्टम क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल, मार्जिनली स्टेबल। अब स्टूडेंट इससे हमें ये तो पता चलेगा कि ये मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है। अब हमारे पास जो ये हमारे रूट्स आए हैं जो हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो मार्जिनली स्टेबल यह सिस्टम है उसके हमें रूट्स उस प्लेन पे पता चल जाएंगे। देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, 2s4 प्लस 12s प्लस 16 इक्वल टू जीरो। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे चार रूट्स आएंगे, एक रूट आएगा इसका प्लस माइनस अंडर रूट 2 जे, और बाकी जो दो रूट आएंगे आपके प्लस माइनस 2 जे। और जब हम इसको प्लॉट करेंगे स्टूडेंट तो देखिए सिमेट्रिकल रूट होने चाहिए, यहाँ कहीं आपका प्लस माइनस अंडर रूट 2j आएगा और वहीं आपका यहां पर कहीं आपका प्लस माइनस 2j आएगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा ये लेक्चर लिमिटेशन एंड इट्स रेमेडीज इन राउथ एरे फॉर्मेशन समाप्त होता है। हमने आज इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल के और इस चैप्टर को पढ़ा। तो स्टूडेंट मैं आज इस लेक्चर को विराम देता हूँ यहीं पर। धन्यवाद।